हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में घसगुल लाइफ में स्वागत करती हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ, अब खाना खाऊंगी। उसके बाद मैं क्या काम करती हूँ आप सभी को दिखाती हूँ। तो खाने में फिलहाल चावल में क्या खा रही हूँ, भाजी और दाल है वो खा रही हूँ। उसके बाद बच्चे लोग खेलने आ गए थे, यहाँ देखिए। हाँ तुमन काय करत हो? तुमन खेला तुम खेलाऊना। ए काय खेलाऊना खेलत जाता पर। ए काय करत हसिया? ए सब्जी ना दे। खेलाऊना खेलत हो? अच्छा काय सब्जी? ए दे काटते सेमी। हां वे हां कनमता भाजी। ए तहु खेलत हस? हाँ क्या खेला था तुमन? अमन है देखे लो ना जाता पूरा। अच्छा का हरे हो, का सब्जी है? हमन हाँ नावल गोल बना था। हाँ कर ए मस्त खेला ना खेला थे। अच्छा। आबे है खाए पर। हाँ का नाम है जीतोर? मोर कचरा। अरे कचरा नाम है? हाँ अच्छा तोर का नाम है? बोद्रा। अरे तुमन कचरा बोद्रा खेला थो का? हाँ। ओ ठीक है भाई खेला। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं नहा के खाना भी खा ली हूँ और मैं यहाँ आलता लगाऊंगी करके बैठी थी। तो देखो बच्चे लोग यहाँ खिलौना खेल रहे हैं मिट्टी का। तो छत्तीसगढ़ी में तो फेमस है मिट्टी का खिलौना। और इसको इसका एक ठो जो पर्व होता है तीजा पोला करके, उसमें ज़्यादा इसका महत्व रहता है। तो चलिए मैं अभी बैठती हूँ और अभी आलता लगा लेती हूँ। तो देखिए मैं नहा के आने के बाद आलता लगाती हूँ। तो आलता लगाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत शौक था, अब तो मैं लगाती ही रहती हूँ आलता। पैरों में भी बहुत अच्छा लगता है और जिन लोग का शादी हो गया है उन लोग को लगाना चाहिए। तो देखिए आलता लग गया है, कितना मस्त लग रहा है। और ये जो उत्सव का आलता आता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, मैं तो वही यूज़ करती हूँ। और ये आलता मेरे शादी का टाइम का है जो अभी तक चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप सब भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए मेरा तो आलता लग गया है, अब मैं अपना बाकी का काम करती हूँ। फ्रेंड्स ये मेरे बालकनी का फूल है जो छोटा छोटा है, गेंदे का है। और ये देखो रोज कितना मस्त लग रहा है, जो मैं अपने बर्थडे पे खरीदी थी ये वही वाला है जो मैं अपने बर्थडे में लाई थी, वही रोज है ये। और इधर ये गेंदे का और इधर बहुत सारा पेड़। ये मनी प्लांट को किस तरीके से बनाई हूँ देखिए। तो फ्रेंड्स ये रजनीगंधा का फूल है जो खिलने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसका सुगंध भी बहुत अच्छा आता है। और ये है सेवंती का जो कत्थे रेड डार्क रेड में ये खिलेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये भी। तो मेरे घर में तो बहुत सारे फूल पौधे सब हैं। तो देखिए कैसे दिख रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को कैसे लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। तो देखिए ये वाला फ्लावर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बट इस। तो फ्रेंड्स मैं आलता लगा ली हूँ, अब थोड़ा सा बैठूंगी क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है। उसके बाद मैं सिलाई करूंगी ब्लाउज का। तो फिर बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग पे। जी एक सब्जी का सब्जी ये दाल है। काय दाल है? व्हाइट दाल। हाँ मत दिखा भी अच्छी नहीं दिखा। और ये भाटा है और ये गोभी है। तो फ्रेंड्स बच्चे लोग यहीं पास खिलौना खेल रहे थे तो मैं बैठी थी और उन्हीं लोग के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी। तो ये लोग सब जो जो खाना बनाया है तो बता रहे थे। तो इन लोग का खाना कैसे लगा ये भी बताइएगा। और अगर आप अब सोना और बिट्टू आ जाते हैं। ओ थैंक यू भाभी के लिए। थैंक यू। कैसा लगा भाभी? मेरे को तो दिखा। कैसा लगा?
सोना मेरे लिए क्या लाई है? क्या है? मालपुआ। मालपुआ है। अब इसको मैं खा के देखती हूँ कि कैसे बनाई है। बताइए ना जल्दी, खाओ जिसको जिसको भी खाना होगा। मालपुआ खाओ भाई, सच्ची अच्छा बना है कि झूठ बोल रहे हो? एक नंबर सच्ची। अब आप कर दूं? देखिए फ्रेंड्स, तो मेरे ननंद और देवा जी आए हैं, उसके लिए मैं नड्डा तल रही हूँ खाने के लिए। तो देखना ये वाला कितना तो मस्त होगा ना। पनीर भी खा ले, चाय बन रहा है। वाह वाह, इसको एक हाथ का फोटो लेके मैं इसको करूंगी। वाह, इस मेघा साथ। तो फ्रेंड्स, नड्डा तल रही हूँ मैं और इधर साइड में चाय बन रहा है। तो चलिए ये होने वाला है, अब इसको मैं खाने के लिए दे देती हूँ। बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, मेरा भी मन था। तो इधर देखो चाय भी बन रहा है, कितना मस्त लग रहा है। तो फ्रेंड्स, नड्डा पूरा हो गया है, नड्डा और ये स्टार और जो हार दिखाई थी, ये तो इतना क्यूट है, इसको खाने का ही मन नहीं हो रहा है, है ना सोना? हाँ। तो चलो देखो, मैं बच्चे लोग के साथ बैठी थी, फिर ये दोनों आ गए, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब सरप्राइज दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर इन्हीं लोगों आते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आने के बाद मैं आ जाती हूँ और इन्हीं लोग के साथ बैठ के इंजॉय करती हूँ, तो बहुत अच्छी है ये सोना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। आती है तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है, दिन भर मैं अकेली रहती हूँ। और देखिए चाय भी बन गया है, अब हम लोग मैं भी बैठ जाती हूँ यहाँ पास और नड्डा खाती हूँ, चाय पीती हूँ और बहुत सारे हम लोग बातें करते हैं। और यही बोल रही थी भाभी, आप बहुत अच्छी हो ऐसे करके, बट मैं अच्छी नहीं हूँ, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो सोना। और देखे तो मैं बैठ गई और हम लोग बहुत सारा मस्ती करते हैं। चलिए फिर आप सभी यह व्लॉग एंजॉय कीजिए। तो ऐसे ही निकल गया और मुझे बहुत मज़ा आया। पूरा दिन कैसे निकला पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय की। मैं चाय पीने के बाद मिलती हूँ आप सभी से। खा लो। वाह, मेरा दिल दर्द होने लग गया। हम लोग चाय और नाश्ता कर लिए हैं, अब हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसके लिए मैं इनको रेडी करूँगी। तो देखिए मैं कैसे रेडी करती हूँ और कैसी लगती है मेरी लाडो। तो फ्रेंड्स देखिए, हम दोनों तैयार हो गए हैं, अब मैं इनका वीडियो शूट करूंगी रील्स के लिए और मैं अपना भी करूंगी। उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। हम लोग आज बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, तो कैसे लग रही है मेरी ननंद का साड़ी पहनी, वो तो आप सबको पता ही है। तो बताइएगा कि कैसे लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग रील्स और फोटो लेने के बाद, फिर मैं नल आ गया था तो मोटर चालू की थी, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा छत में टहल रहे हैं। तो मेरी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तो इनके साथ मेरी प्यारी सी भाभी के साथ, अच्छा अच्छी है गाइस, इनकी वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय, आज की मेरी वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं किसी अच्छे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।